गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करते हैं सीमॉस इन्वर्टर वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व की, यानी कि VTC कर्व जो होता है सीमॉस इन्वर्टर का, वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से कर्व निकल के आता है वो देखते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि कैडेंस सॉफ्टवेयर में मैं आपको यही कर्व एक बार निकाल कर दिखा दूँगा। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपका सीमॉस इन्वर्टर होता है ये आपका पीमॉस और एनमॉस से मिलकर बनता है, ये बात आपको पता होगी। और ये इस तरह से इसका वायर कनेक्ट होता है एनमॉस के गेट का पीमॉस के गेट से, और ये वी इन होता है, ये वी आउट होता है, ये सब आपको पता ही होगा। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपका जो पीमॉस है और एनमॉस है कब कब ऑन हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं इनको, इक्वेशंस को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज़ कि आपका अगर यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है तो क्या होगा, ज़ीरो पर ये वाला एनमॉस तो आपका ऑफ रहेगा और ये जो है आपका पीमॉस ये ज़ीरो पर ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने का मतलब क्या है कि आपका VDD आपका आउटपुट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ज़ीरो देने पर आपको 5 वोल्ट का अगर VDD है तो वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो देख लो कि ये रहा आपका Vin और ये रहा आपका Vout इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर है ज़ीरो, तो जब हमने Vin पर ज़ीरो दिया तो आपको Vout पर क्या मिला, 5 वोल्ट, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब लेट सपोज़ कि आपने यहाँ पर दिया कि 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ 1 दे दिया तो आपका NMOS ऑन हो जाएगा और 1 पर PMOS आपका ऑफ रहेगा। अब जब ये ऑन होगा तो आपका ग्राउंड जो है वो आउट Vout से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपके Vout पर ज़ीरो मिलेगा। देखते हैं क्या होता है कि हमने क्या करा, Vin पर 1 दे दिया, लॉजिक 1 दिया। लॉजिक 1 का मतलब क्या होता है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ये आ गया। अगर 5 वोल्ट आपने दे दिया तो आप देख सकते हैं कि Vout पर आपका ये ज़ीरो ही आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर Vin पर 5 वोल्ट दोगे तो Vout जो है वो यही पॉइंट तो बनेगा, तो इस पॉइंट पर ज़ीरो है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि 0 पर 1 मिल रहा है, 1 पर 0 मिल रहा है। अब बात करते हैं इन इक्वेशंस की। तो ये आपको 4 इक्वेशन याद करनी है NMOS की, बाकी PMOS में क्या करना है कि ये जो भी साइन हो उन साइन को उल्टा कर देना है बस। ठीक है, ये जितने भी साइन हैं, यानी कि अगर ये ऐसा है, मतलब ये जो होते हैं साइन लेस देन और ग्रेटर देन वाले, इनको उल्टा कर देना है PMOS के केस में। तो अब जब VGS की वैल्यू आपकी VTN से कम होती है तो आपका ये कट ऑफ रीजन में होता है। ठीक है, जब VGS की वैल्यू आपकी VTN से ज़्यादा होती है तो वो लीनियर या सैचुरेशन में होता है। ठीक है, अब लीनियर में है या सैचुरेशन में है ये कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको VGS-VTN चेक करना होगा। अगर इसकी वैल्यू आपकी VDS से ज़्यादा है तो ये आपका लीनियर में हो जाएगा, और अगर आपकी VGS-VTN की वैल्यू जो है वो VDS से कम है, यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है उससे कम है, तो आपका ये सैचुरेशन रीजन में होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि VGS जो है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से ये देखिए कि जब आपका Vin आपका 2 वोल्ट है, ठीक है, 2 वोल्ट है Vin, तब आपका ये क्या है, ये आपका 5 वोल्ट दे रहा है। अब लेट सपोज़ कि आपका आ गया Vin जो है वो 3 वोल्ट हो गया, तो आपका क्या हुआ, ये 5 वोल्ट तो नहीं है बट 5 वोल्ट से नीचे 4.9, 4.8, 4 पॉइंट कुछ इस तरह से ही कम होने लगा। जैसे जैसे आपका Vin बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका ये एकदम तेज़ी से नीचे कम होता जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो NMOS सैचुरेशन रीजन में था वो तो सैचुरेशन में ही रीजन में ही रहा, बट जो आपका PMOS लीनियर में था वो आपका जो था वो अब सैचुरेशन रीजन में आने लगा, और इस कंडीशन में दोनों के दोनों MOSFET सैचुरेशन रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका ये 3 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच में पड़ने लगेगा तो आपकी एक स्टेट ऐसे आएगी कि आपका NMOS जो है वो लीनियर रीजन में आ जाएगा बट आपका PMOS जो है वो सैचुरेशन रीजन में ही रहेगा। ठीक है, और जैसे आप 4 से 5 वोल्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका NMOS लीनियर रीजन में ही रहेगा बट आपका PMOS ऑफ हो जाएगा, यानी कि कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप 1 से 2 वोल्ट के बीच में देखेंगे तो NMOS आपका कट ऑफ में है और PMOS आपका ऑन में है। जब आप इसमें ये अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना यहाँ पर, तब आपको ये समझ में आएगा कि इन इक्वेशन से हो क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका साइन इस साइड है तो आपको इसमें इस साइड कर देना है। ठीक, अगर ये ऐसा है
तो इसको ऐसा कर देना है, ठीक। मतलब लेस देन को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को लेस देन कर देना है, और आपको पता लग जाएगा कि आपका पीमॉस और एनमॉस कौन से रीजन में है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करके देखें, मैं आपको कैडेंस में इसको दिखा दूंगा, ये VTC कर्व को। ओके।